मनः प्रशांतस्य, मन को जीतने वाले जिसने मन पर विजय पाली, जितात्मनः। फिर कहा प्रशांतस्य, जो सब द्वंद्वों में अच्छी तरह से शांत रह पाते हैं, चाहे कोई अपमान करे चाहे कोई सम्मानित करे, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद हो, चाहे अमीरी हो पैसा खूब हो चाहे गरीबी हो पैसा कम हो, सब द्वंद्वों में जो निर्विकार रह पाए, शांत रह पाए, बोलना सुनना सरल है, करने में थोड़ा कठिन है, पर अगर चाहें तो हो भी सकता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जितात्मना है। सदगुरु मन को जीतने वाले, मन से पार गए हैं। प्रशांतस्य, गुरु अच्छी तरह से सम्यक रीति से शांत हैं। कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, गुरु प्रशांतस्य, प्रशांत आत्मा है। परमात्मा समाहित, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, वो अपनी महिमा में अचल है। तो अब देखो, अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने मन को जीत पाएं, हम भी हर द्वंद में अपने को शांत रख पाएं, कोई भी व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमको विक्षिप्त न करे और किसी का प्रभाव हमारे पर न पड़े, ऐसा हम चाहते हैं, तो ऐसे जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी उपासना के द्वारा व्यक्ति जितात्मना हो सकता है। भागवत में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है वो उद्धव जी के प्रति। उसमें पहले भगवान ने यम और नियम बताए। यम नियम माना अहिंसा सत्य आदि आदि, शुद्धि स्वाध्याय ये करना। तो भगवान ने ये सब बताकर फिर जो वचन कहा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यम नियम के 12-12 प्रकार बताकर भगवान ने कहा, ये सब अगर कोई न कर पाए यमान भिक्षणम सेवेत नियमान मत पर क्वचित मद भिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। यम और नियम का पालन अगर कोई न कर पाए तो मद भिज्ञम गुरुम शांतम, मुझे तत्व रूप से पाए हुए सदगुरु की उपासना अगर कोई करे, मद भिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत, उनकी उपासना करे, तो उसको यम नियम का जो परिणाम है वो प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा तो दी नहीं, परिणाम आ जाएगा बढ़िया। कॉलेज स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता कि आप परीक्षा न दो और पास हो जाओ, पर ये ऐसा है कि भगवान खुद कह रहे हैं यमान भिक्षणम सेवित नियमान मत पर क्वचित। क्वचित माने यदि नियम नियम को कोई न पाल सके तो भी मद भिज्ञम गुरुम शांतम उपासीत मदात्मकम। तो फिर जितात्मना भी ये परिणाम है।
जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, ये परिणाम आएगा जिसके लिए ये जीवन मिला है। बाकी दुनिया में सब मरने के लिए जी रहे हैं। जो ये कल्याणकारी रास्ता नहीं अपना पाते ना, समझो इंतजार कर रहे हैं कि कब आए और जाएं। जैसे हमने सुना है ना, आत्महत्या पाप है, सोचना भी, करना तो महापाप है। तो आत्महत्या महापाप है। उसी प्रकार जो लोग सत्संग और ज्ञान भक्ति के बिना अपना जीवन बिता रहे हैं, उनमें और आत्महत्या करने वालों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गंवा रहे ना, वो भी गंवा रहा है आत्महत्या करने वाला, और जो सत्संग भक्ति का प्रसाद नहीं पा रहा है वो भी गंवा रहा है, वो भी आत्महत्या ही कर रहा है। खुद ही खुद की श्वासों को सार्थक करने के बदले निरर्थक कर रहा है। जितात्मना, तो बोले क्या करें, घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम भी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक लड़की की सगाई हो गई तो कुछ दिनों बाद उसकी सगाई टूट गई। लड़की वाले दुखी हो गए कि हमारी बेटी का रिश्ता हुआ था मुश्किल से और फिर रिश्ता टूट गया, तो दुख हुआ। रात को जप करते करते कन्या ने गुरुदेव से कहा कि ऐसा तो क्या हो गया गुरुजी, क्योंकि कुछ लोग फिर बोलते हैं। एक बात तो मैं कहूं कि लोग हैं ना, लोगों की आदत बोलने की रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है। तो उसको हुआ कि अब लोग बोलते हैं रिश्ता टूट गया, ऐसा सोचते हुए वो सो गई। तो सपने में गुरुदेव ने उसको दर्शन दिए और कहा कि बेटी ये तेरा रिश्ता मैंने ही तुड़वाया है। ये क्यों? गुरुजी ने कहा बेटी अगर तेरी शादी वहां हो जाती तो तू जिंदगी भर अग्नि परीक्षा देती रहती। सीता माता की तो एक बार हुई थी, तेरी सारी जिंदगी होती और तू परेशान रहती। इसलिए मैंने तेरा भविष्य अच्छा बनाने के लिए ही ऐसी प्रेरणा दे दी उनको कि उन्होंने ही तोड़ दिया। पर तू धीरज रखना बेटी, तेरा रिश्ता अच्छे घर में होगा जहां तू सुखी रह पाएगी। अब देखो, उस कन्या को संतोष हो गया, उसने माता पिता को ये बात बताई और उसके कुछ महीनों बाद उसका अच्छे घर में संबंध हुआ और वो खूब सुखी है। उसके पति ने भी आकर के दीक्षा ले ली और उनको अभी एक संतान भी है। तो अब देखो, पहले तो उनको हुआ कि अरे ये रिश्ता टूट गया, पर फिर आगे परिणाम। कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं है, कृपा का संबंध परिणाम से है। थी तो वो कन्या साधक और जप करती थी, रोज पाठ भी करती थी, बड़ी पवित्र विचार वालों थी, पर परिस्थिति देखा जाए तो कैसी आई कि अरे रिश्ता हुआ और टूट गया। क्या उस पर गुरुजी की कृपा नहीं है? परिस्थिति ऐसी क्यों आई अगर कृपा है तो? तो कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं होता, परिणाम से होता है। पांडवों के जीवन में कितना दुख आया, द्रौपदी को कितना दुख सहना पड़ा। आज द्रौपदी का नाम महासतियों में गिना जाता है। मूर्ख लोग द्रौपदी का नाम अनादर से लेते हैं। फिल्मों में काम करने वाले आवारा लोग जो होते हैं ना, वो द्रौपदी का नाम सती के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि द्रौपदी महासती है, द्रौपदी वंदनीय है। द्रौपदी की शिक्षाएं अनुकरणीय है। तो उनको कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो क्या उन पर श्री कृष्ण की कृपा नहीं थी? तो कृपा थी तो परिस्थिति ऐसी क्यों आई? तो कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं, परिणाम से होता है। परिणाम क्या आया पांडवों के जीवन में, ये विचारणीय है।
तो भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचन, माने जिसका अंतःकरण दिल मन बुद्धि तो ये है ज्ञान। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो, कूटस्थ जैसे सुबह बताया था लोह पिंड होता है उस पर धातु को आकार दिया जाता है वह थोड़ी से वार करके, तो धातुओं में आकार आया, सोने में आकार आया, चूड़ी बन गई, ब्रेसलेट बन गया आदि आदि। लोहा हो तो उसका कोई वो औजार कुछ बना लिया, उसको कुछ डिजाइन दे दी, पर वो जो जिस पर हथौड़ी से वार किया जा रहा था वो कुटस्थ, वो जो का त्यों है लोहपिंड। ऐसे ही हर हाल में जो कुटस्थ रहे, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ। कुप्रचार करने वाले इतना बकते रहते हैं, गुरुदेव की ब्रह्मानंद में कोई कमी देखी किसी ने? यहां गुरुदेव की मस्ती में कोई कमी देखी किसी ने? गुरुदेव की आत्म मस्ती में किसी ने कोई कमी नहीं देखी, और गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वालों में भी किसी ने कमी नहीं देखी। अगर किसी को शंका हो तो प्रयागराज के कुंभ में चलकर देख ले फिर क्या होता है, कि और भी कई अध्यात्म जगत के बड़े बड़े आएंगे, उनके भी कैंप लगेंगे और गुरुदेव का भी सत्संग होगा। उज्जैन में जब कुंभ हुआ था तब वहां की अखबारें कहती थी कि पूरे कुंभ में, उज्जैन में पूरे कुंभ में 80% भीड़ बापूजी के कैंप में है, बाकी 20% पूरे कुंभ में। ये अखबारों में मैंने पढ़ा था तब उज्जैन के कुंभ में। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया, कौन क्या कह रहा है ये मत देखो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है वो देखो। हमारे अंदर भक्ति आई कि नहीं आई है? आई है तो गुरु में अपनी प्रीति और निष्ठा को और बढ़ाएं। श्री कृष्ण कहते हैं यमान भिक्षणम सेवेत नियमान मत परह क्वचित। शुरुआत में थोड़ा होगा कि चलो हाँ भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है, गुरु ही ब्रह्म है, मानना चाहिए। जैसे अर्जुन गीता के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान को कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसा देवऋषि नारद जी ने कहा, असित ऋषि ने भी कहा और देवल ऋषि ने भी कहा है, इन बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, इसलिए मैं मानता हूं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप साक्षात भगवान हैं। अब देखो अर्जुन मानते तो हैं श्री कृष्ण को, पर दूसरों की गवाही के आधार पर, कि मैं मानता हूं इसलिए क्योंकि नारद जी कहते हैं कि आप ईश्वर हो, असित ऋषि कहते हैं आप ईश्वर हो, देवल ऋषि कहते हैं आप ईश्वर हो, व्यास जी कहते हैं आप ईश्वर हो। परंतु वही अर्जुन 10वें अध्याय के बाद देखो तो 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर गरीयान। आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, आपका अप्रतिम प्रभाव है। जो जो भगवान का सानिध्य सत्संग अर्जुन को मिलता गया त्यों त्यों अर्जुन की दृष्टि भी बदलती गई। नहीं तो 11वें अध्याय के पहले श्लोक को भी अगर आप पढ़ें तो उसमें अर्जुन ने कहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, मतलब मुझे ज्ञान हो गया, आत्मानुभव हो गया। अगर हो गया तो फिर ये 7 अध्याय और क्यों चले, हो गया तो बस वहीं 11वें अध्याय तक गीता पूरी हो जानी चाहिए थी,
और 11वें अध्याय में दो ही श्लोक आते, पहले श्लोक में तो कह दिया मेरा मोह नष्ट हो गया, और दूसरे श्लोक में भगवान कह देते बस धन्य हो तेरा काम हो गया, और यत्र योगेश्वर कृष्ण तीसरा श्लोक बस। संजय बोलता यत्र योगेश्वर कृष्ण, ये धृतराष्ट्र का सारथी बोला ना गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर मम। बस 11वें अध्याय में तीन श्लोक पूर्णा होती, पर 11वें अध्याय में कितने श्लोक, 55 श्लोक है। एक आदमी मेरे को बोले गीता में सबसे कम श्लोक कौन से अध्याय में, मुझे बताओ मैं वही पाठ करूंगा, सस्ते में निपट जाएगा। मैंने कहा तू दूसरा अध्याय पढ़ा कर, सबसे ज्यादा श्लोक उसी में है। दूसरे अध्याय में है ज्यादा श्लोक है। तो पहले 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया, तो फिर 7 अध्याय क्यों, क्यों कि कई बार आदमी को लगता है कि मेरा काम हो गया, मेरे को तो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया बस। नहीं, भक्ति योग जरूरी है, इसलिए 12वां अध्याय भक्ति योग चला है। 13वां अध्याय जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग उसका नाम है वो चला, तो उसमें फिर भगवान ने गुरु की उपासना की बात बता दी, नहीं तो मोह नष्ट हो गया तो गुरु की उपासना बताने की जरूरत क्या थी, क्योंकि भगवान को पता था कि ये बोलता है पर अभी नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए गुरु की उपासना जरूरी है। और भागवत में मद विज्ञम गुरुम शांतम, परंतु जो लोग खुद बंधे हुए होते हैं ना वो दूसरों को अनबंधा नहीं देख सकते हैं, वो चाहते हैं ये भी बंधे रहे। जो वासना की अदृश्य जंजीरों से बंधे हैं वो दूसरों को भी उन्हीं जंजीरों में कैद देखना चाहते हैं। उसमें ये कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले नंबर वन है। एक आदमी जमीन पे हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, आप समझे ना, धरती पर मिट्टी पर हाथ, तो किसी ने कहा क्यों हाथ कुछ ऑयल वाले हो गए, कुछ ऐसा हो गया, ऐसे मिट्टी में रगड़ रहे हो, क्या बात है। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे हाथ तो साफ ही हैं, ऑयल वाले नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों धरती पर क्यों ऐसा कर रहे हो। तो बोले धक्का मार रहा हूं जमीन को, खिसकती नहीं है। अब बावरे तू धरती को धक्का मार के क्या खिसकाएगा, आपको लगेगा कि ये आदमी कौन था ऐसा पागल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं। वही धरती को धक्का मार, अरे तो ये इसको कुछ नहीं होगा, ये अपनी महिमा में अचल है। आपूर्य माणम मचलम प्रतिष्ठम, जैसे समुद्र अपनी महिमा में अचल है, धरती माता अपनी महिमा में अचल है, सूर्य भगवान अपनी महिमा में अचल है, गंगा माता अपनी महिमा में अचल है, नक्षत्राणाम अहम शशि, भगवान ने गीता में कहा नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, वो अपनी महिमा में अचल है, तो सदगुरु भी अपनी महिमा में अचल है। तू कितना ही जमीन को धक्का मार कुछ नहीं होगा, नाक क्यों कटाता है प्यारे। एक लड़का जमीन पर जोर जोर से कूद रहा था, जितना दम मार सकता था ऊंचा जंप लगा के जमीन पे जोर से पैर पछाड़ता। किसी ने कहा ये क्या कर रहा है, बोले मैं भूकंप लाना चाहता हूं। तो बोले ये लड़का कौन था, ये वही थे, ये सब धंधे वही करते, धरती क्या हिलेगी किसी के जंप लगाने से, वो अचल है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो लोह पिंड अचल है, कोई भी धातु को आकार दिया, कोई भी परिस्थिति आई, साधक अचल रहे।
और न रह पाए तो ऐसे जो अचल गुरु हैं उनकी उपासना करने से उस उपासक में भी वैसी ही अचलता आएगी, जिसका चिंतन करेंगे उसके गुण हमारे में आएंगे। जैसे एक्टरों और एक्ट्रेसों की एक्टिंग देखते हैं तो उनके अवगुण उनमें आ जाते हैं ना कईयों के। बोले अवगुण कैसे? अब एक्टर और एक्ट्रेस, अब सब बुरे भी नहीं होते, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब एक्टर और एक्ट्रेस बुरे होते हैं, ये मेरा कहने का अभिप्राय नहीं, पर कई होते हैं। बीच में मुझे किसी ने बताया, मैंने तो नहीं देखा कि कोई कपूर परिवार का कोई एक्टर बोला कि ये नहीं बोलना चाहिए था बापूजी को, ये नहीं कहना चाहिए था। तू जरा अपने गिरेबान में झांक, सबसे ज्यादा गड़बड़ें तुम्हारे कपूर परिवार में ही हुई है। हाँ, मैं झूठ बोलता हूं तो आप मुझे बोलो, मैं उनके सामने बोलने का दम रखता हूं। रखे मीडिया को ताकत हो तो मेरे सामने कैमरा रखे, मैं बोलूंगा क्या होता है। सबसे ज्यादा गड़बड़े इन कपूर परिवार ने की, एक्ट्रेसों के कपड़े मुझे बोलने में शर्म आती है, वो कपूर परिवार ने किया है। कपूर परिवार की बेटी ने मुसलमान से शादी की है, क्यों अपना धर्म छोड़ा? क्यों धर्म छोड़ा अपना? अनीति भर्यू वर्तन सभामा नीति नी वातो करे, गुजराती पंक्ति है। खुद का जीवन अनीति से भरा और नीति की बातें करते हैं। अनीति भर्यू वर्तन सभामा नीति नी वातो करे, पराई नारी देखी जेना नैन आम तेम डोले, सभामा उभो थईने ब्रह्मचर्य विषय बोले। देश में युवाओं को गुमराह किसने किया? आप तटस्थ होकर सोचिए। एक एक्टर बोला कि मुझे दुख होता है कि मैं पुरुष हूं, तो तू पुरुष बना क्यों? तीसरा नंबर कुछ बनना था तेरे को? तुम लोग ऐसी अश्लील एक्टिंग में हरकतें क्यों करते हो कि कुछ युवाओं का मन खराब हो जाए? तुम सत्संग सुनो ना, माला लेकर जप करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, एकादशी का उपवास करो। क्यों फिल्मों में शराब की बोतलें लेकर घूमते हो और मांसाहार खाते हो? अनीति भरी वर्तन। परंतु साधक जो होते हैं और साधक जिनकी गुरु की उपासना करते हैं, वो गुरु कैसे होते हैं? सुहरन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु साधुष्वपि च पापेषु सममुद्दिर विशिष्यते। गुरु सम होते हैं, गुरु कुछ नहीं बोलेंगे। बापूजी ने थोड़ी बोला कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, ये गलत है। ये तो ज्ञानवान महापुरुष तो अपनी महिमा में मस्त रहते हैं। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। साधुताई से भरा हुआ किसी का दिल हो उसके लिए भी और पापी के लिए भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो द्वैत है ही नहीं ना। गुरु की दृष्टि में तो अद्वैत ब्रह्म है, मूड क्या समझेंगे? उनकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, उनकी दृष्टि में तो अपना आपा है। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण सबको कैसे देखते थे? जैसे कोई आईना देख रहा हो। आईने में कौन दिखेगा आपको? आप आईने के सामने खड़े रहेंगे तो कोई दूसरा थोड़ी दिखेगा। तो ज्ञानी महापुरुष ऐसे होते हैं, उनको दूसरा दिखता ही नहीं है। गुरुदेव ने एक बार मुझे कहा था कि शास्त्रों में राजाओं की गाथाएं आती है ना, अमुक राजा ये नाम वो नाम। बापूजी बोले मुझे नाम रूप में सत्यता रहती नहीं, इसलिए उनके नाम याद ही नहीं रहते। एक ब्रह्म ही है, सब में ईश्वरी है, नाम रूप की सत्यता रही नहीं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
परंतु मूढ़ आदमी गूढ़ बातों को कभी भी समझता नहीं है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, कि हम कोई भी कर्म करें, सेवा का करें, ऋषि प्रसाद, बाल संस्कार या और कोई सेवा का कार्य, मैंने सेवा की, मुझे पुण्य होना चाहिए, नहीं, अर्पण कर दें भगवान को, गुरु को, आपकी कृपा शक्ति से किया, इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति आपकी है, न होती तो शरीर तो मुर्दा, तो ये आपकी कृपा से अच्छा सेवा का काम हुआ, आपको अर्पण है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया, परंतु लोग क्या करते हैं कि जब कोई अच्छा होता है ना तो उसका पुण्य अपनी तरफ खींचते हैं, मैंने अच्छा किया, जब गलती हो जाती तो हे भगवान तू माफ कर दे मुझे, तभी नहीं सोचते हैं कि इसका फल मुझे कोई नरक या कुछ दुख कुछ कष्ट मिलेगा। पर भगवान कहते हैं सर्व कर्माण्य, जो अच्छा भी अर्पण कर देगा तो उससे अगर गलती हो गई तो भगवान देखेंगे कोई बात नहीं, इसने अच्छा तो मुझे अर्पण किया था ना, तब इससे गलती हो गई तो चल बेटा अच्छे के व्याज में तेरी गलती माफ है, चल जा मौज कर तू। ये तो व्याज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ईश्वर और गुरु ऐसा नहीं सोचते हैं कि इसने अच्छा मुझे अर्पण किया तो इसकी बुराई हम माफ कर दें, ऐसा नहीं होता। देखो एक बात ठीक से समझ लें, जो ईश्वर का, ईश्वर प्राप्त गुरु का आश्रय सच्चे दिल से लेते हैं तो उनका कल्याण निश्चित हो जाता है, कि होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भगवान होते ना ईश्वर और ईश्वर को पाए हुए ईश्वर रूप गुरु, वो किसी भी भक्त के दोष को नहीं देखते हैं, उसके आश्रय को देखते हैं कि इसने मेरी शरण ली है, वो गलती को नहीं देखेंगे, आश्रय को देखेंगे। इसलिए गीता में ये आश्रय शब्द की बात बार बार आई है, मद व्यपाश्रया व्यपाश्रित्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ये बार बार है, आप पढ़ सकते हो गीता में, आप जब भी गीता पढ़ो तो इन शब्दों पर अंडरलाइन कर दो, ये कितने अच्छे शब्द हैं, कितने प्यारे शब्द हैं, आपको गीता पढ़ने का विशेष आनंद आएगा और उससे प्रेरणा मिलेगी। अपने गुरुदेव के चरणों में जो बोलते हैं ना, मेरी बापू जी के चरणों में भक्ति कैसे बढ़े, इससे बढ़ेगी। ये कितने प्यारे शब्द हैं गीता के, नौवें अध्याय का 32वां श्लोक है, माम ही पार्थ, और बहने आपको खुशी होगी सुनकर, सुनना, नौवें अध्याय का 32वां श्लोक है ना, उसमें भगवान ने कहा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य का मतलब समझ लें हम कि विशेष आश्रय, आश्रय उनका, प्रीति भी उनसे, गुरु के चरणों में प्रीति है तो उनसे कुछ मांगते नहीं है कि बापू जरा आशीर्वाद दे दो, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, मांगने की जरूरत नहीं, ये सब अपने आप हो जाता है, हम थोड़े धीर बने। अब आपको एक साधक की बात बताऊं, मैंने पहले भी बताई, ये संगति है इसलिए बताऊं, संदर्भ में है। आगरा में एक साधक यहां शिविर में आए हैं, अभी मैं उनको खड़ा करूंगा, अभी मुझे सुबह मिले थे, वो अपने घर पे रात को संस्कार टीवी पर गुरुदेव का सत्संग सुन रहे थे। पहले आता था रात को 10:30 पे आता था सत्संग, शायद संस्कार पे जो देखते थे रात को 10:30 बजे आते, ऊपर करो कई लोग, मैंने भी 2-3 बार देखा था। तो वो रात को संस्कार पर सत्संग सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने उत्तरायण शिविर की वो लाइन पढ़ी कि अहमदाबाद आश्रम में अमुक तारीख से अमुक तारीख तक शिविर है। तो उनका हृदय भर आया कि अरे शिविर है और मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि नौकरी छूट गई थी और किराया ये वो पैसे कहे बिल्कुल नहीं थे। तो उन्होंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया कि इस बार मैं उत्तरायण की शिविर पे नहीं आ पाऊंगा, गुरुदेव मुझे माफ करना। ऐसा प्रणाम करके सो गए। सुबह नहाकर वो नियम करने बैठे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, खोला, देखा एक परिचित साधक थे,
इतनी जल्दी सुबह कैसे आए भाई साहब? उसने कहा कि मुझे रात को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि आपके नाम कि वो भक्त अहमदाबाद आश्रम आना चाहता है पर उसको अभी तकलीफ है, वो आ नहीं पा रहा है, तो तुम अहमदाबाद शिविर में आ रहे हो उत्तरायण पर, तो उसको भी लेके आना, नहीं तो तू भी मत आना। तो अब आप सामान तैयार कर लेना, अमुक तारीख को हम जाएंगे, मैं टिकट बुक करा देता हूं। फिर शिविर में आए, रहे और शिविर पूरी करके गए तो अच्छी जगह उनको नौकरी मिल गई थी, अच्छा कमाने लगे थे, अब उनकी अपनी खुद की दुकान भी है, ऐसा मुझे बता रहे थे। यहां बैठे हो तो खड़े हो जाएंगे जिनकी बात मैंने बताई है, दीपक सेना ने, ये रहे, आगे आ जाओ जरा। सपने में दूसरे साधक को प्रेरणा दी कि इनको लेके आना, नहीं तो तुम भी मत आना। ये कितने साल पहले की बात है? दस साल पहले की बात है ये, और अब क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया है ना, अब बहुत बढ़िया है, ये आपके सामने है। लंबे बाल काले रखने से कुछ नहीं होता है, गुरु के द्वार पर तपस्या करे तो बात बनती है। बालों को काला रंग करके लंबा बाल रख के कोई बालों से प्रभावित नहीं होते हैं और बालों से भला नहीं होता है, शक्ति होनी चाहिए अपनी, वो शक्ति हमारे बापू में है, हमारे गुरुदेव में। ये आपके सामने है, मैंने बिल्कुल सच्ची बात बोली है ना। बैठो, तो व्यपाश्रित्य मैं बता रहा था, बहनों को अच्छा लगेगा गीता का ये श्लोक, आप पढ़ के देखना। अभी भगवत गीता हो किसी के पास तो खोलो, भगवत गीता 9वां अध्याय 32वां श्लोक है। भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयो नयः स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्र। अब देखो इसमें व्यपाश्रित्य शब्द बोलकर भगवान ने बहनों का नाम लिया, स्त्रियों, बहने क्यों लिया? ये भी विचारणीय है। माम ही पार्थ, 9वां अध्याय 32वां श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का मतलब विशेष प्रकार से आश्रय लेना ईश्वर का, गुरु का, माम ही पार्थ मेरा। और फिर आगे स्त्रियों शब्द, बहनों का नाम पहले ले लिया, क्यों लिया पूछना पड़ेगा भगवान से। भाइयों का नाम पहले क्यों नहीं लिया? बहनों का नाम भगवान ने लिया है, उसमें एक ये कि बहनों में भावना की प्रधानता ज्यादा होती है, पुरुष विचार प्रधान होता है और भावना प्रधान बहनें, माताएं अपनी भावना का, भावना को सही दिशा देकर साधना में, गुरु भक्ति में, निष्ठा में बहुत आगे जा सकती हैं। और उसके प्रमाण है मीरा, शबरी, सौराष्ट्र की गंगा सती, महाराष्ट्र की मुक्ताबाई, राजस्थान की सहजो, दया उसकी बहन, कौशल्या माता को देखो, देवहूति जी को देखो, अनुसुया जी को देखो, और गलत दिशा में मोड़ दे तो फिर वो गलत बातें भी बोलने लग जाते। कई नेता, महिला नेताएं भी गलत बातें बोलने में बहुत तेज तरार है। खुद झगड़ाखोर होती हैं और माइक में टीवी पे बोलेंगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो तुझे भारत में गृह कला खड़ा करना चाहिए था। कई नेता अभी समझने वाले समझ भी रहे हैं, ये देश में अशांति फैलाते हैं लोग, देश में सौहार्द फैलाना चाहिए, अपने भारत देश में सुख शांति बढ़े ऐसी कुछ बात बोलनी चाहिए। आतंकवादी तो ये हैं कम्बल,
इसलिए शास्त्रों में कहा गया, हे भगवान मुझे ममता से बचाओ। अरे भाई भगवान बोलते ममता को छोड़ दो, आप लोग हंस रहे हैं है? मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं? भगवान बोलते निर्ममो निरहंकार, ममता को छोड़ दो, ये छोड़ने जैसी है। संसार में ममता दुख ही देगी, कभी सुख दे ही नहीं सकती। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो। हे भगवान ममता से बचा तू, ममता ही दुख देती है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो भी समझ जाएंगे। ये दुख ही देगी भाई। हनुमान जी ने कहा ना रावण को, रावण ने कहा कि इनकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि कपि की ममता पूंछ में होती है, पूंछ जल जाएगी तो ये दुखी हो जाएंगे। हनुमान जी हंस पड़े। रावण ने कहा हंसते क्यों हो? बोले मेरी ममता संसार में नहीं, मेरी ममता मेरे राम जी के चरणों में है, तो मुझे काय का दुख होगा, और वो कभी टूटने वाली नहीं। तो संसार में ममता, संसार की ममता दुख देती है, गुरु के चरणों में ममता हो तो दुख नहीं देती। भाई देखो, जिसका उद्देश्य भगवान नहीं है ना, वो आदमी दोस्ती करने के लायक नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, बरु भलो वास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। ए विधाता, तू मुझे नरक में भेज दे, मैं राजी रहूंगा, खुश रहूंगा, पर तू मुझे दुष्ट जनों का संग मत देना, क्योंकि नरक में जाऊंगा तो पाप कटेंगे और दुष्टों के संग में जाऊंगा तो पाप बढ़ जाएंगे। कितनी बढ़िया बात कही तुलसीदास जी ने। इसलिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग सर्वथा त्यागने योग्य है। और श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाइये हरि सुख निदान भगवान। महात्मा बुद्ध के जमाने की घटना है ना, कि नदी में मछुआरों ने जाल डाला, एक बड़ी मछली फंसी जिसकी आकृति सोने की थी, पर उसके मुंह से बदबू इतनी आ रही थी भयंकर कि उन्होंने जाल फिर से फेंक दिया मछुआरों ने। पर फिर किसी ने कहा, अरे बदबू आ रही थी पर सोना तो है, सोना तो मिलेगा, ले लो खींचो। फिर जाल खींचा, फिर इतनी बदबू फेंक दी, मरे मरे इस बदबू से हम मर जाएंगे, जिंदे रहेंगे तो सोना काम में आएगा ना। पर फिर किसी को लालच लगी कि नहीं नहीं सोना कीमती है ले लो, तो खींचा और उस बड़ी मछली को जिसकी सोने की आकृति थी उसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया ताकि मर न जाए।
पानी भरा उस बर्तन में, उसमें उसको डालकर राजा के पास ले गए कि देखो कैसी मछली है, सोने की। राजा ने पर नाक बंद की, बोले बदबू कितनी आ रही है इतना दूर से भी। पर एक मंत्री ने कहा कि जानना तो चाहिए कि आखिर ये सोने के आकार वाली मछली ये तो कभी नहीं देखी हमने, और बदबू इतनी भयंकर क्यों। बोले चलो महात्मा बुद्ध के पास चलते हैं। बुद्ध के पास गए तो बुद्ध के सत्संग में जो सत्संगी बैठे थे उनको भी बदबू से बहुत परेशानी हुई। बुद्ध का भी ध्यान खींचा कि ये क्या है। राजा ने पूछा कि प्रभु ये इसका आकार सोने का है और मुंह से इतनी बदबू क्यों। बुद्ध तनिक शांत हुए और फिर कहा कि ये पिछले जन्म में कपिल मुनि नाम के एक महात्मा थे, उनका शिष्य था, रहता था उनके पास, पर धोखेबाज बेवफा गद्दार अपने गुरु के प्रति मन में ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था। गुरु भलाई के लिए डांटते थे पर ये गुरु के प्रति द्वेष रखता था, गुरु से ही नफरत करने लगा था, और फिर अंदर अंदर दूसरे गुरु भाइयों को बहनों को भड़काता था, उनकी श्रद्धा तोड़ता था, गुरु की निंदा करता था। गुरु के पास रहता था पर फिर भी गुरु के पास नहीं रहता था। अपने गुरु को समझ ही नहीं पाया, गुरु में भक्ति विकसित कर ही नहीं पाया, गुरु को साधारण देहधारी मानता था, जबकि गुरु देह में होते हुए भी देहधारी नहीं है। गुरु चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, अधिकारी जान पे जान पाता है कि मेरे गुरुदेव विगत विकार, मेरे गुरु में कोई विकार नहीं है। गुरुदेव का कोई स्मरण करे तो वो निर्विकार हो जाए, ऐसे गुरुदेव हैं। विगत विकार जान अधिकारी। मैं तो कहूं एक बात खाली पार्वती माता की हम याद रखें, कल्याण हो जाए। कोई आपको कुछ बोलेगा क्यों जाते हो आश्रम में, ये हो गया वो हो गया, आप पार्वती माँ की एक ही बात बोलो। बोले पार्वती जी की श्रद्धा तोड़नी चाहिए सप्तऋषियों ने, और कहा महादेव अवगुण भवन, शिव जी अवगुणों की खान है और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु भगवान सब गुणों के भंडार है, तुम विष्णु भगवान से शादी करने का मन बना लो, शिव जी को छोड़ दो। तो पार्वती जी ने क्या कहा, पार्वती जी के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा अब मैं जन्म शंभु हित हारा, ये मेरा जन्म मैंने शिवजी के नाम कर दिया है। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, के गुण दूषण करे विचारा। कौन शिवजी के गुण और दोष का विचार करे महापुरुषों, मैंने ये जन्म तो शिवजी के नाम कर दिया है, अब आप मेरे आगे उनके गुण दोष की बात मत करो, दूसरी बात करो। क्या प्यार था पार्वती जी का। कभी पार्वती माँ के मंदिर में अगर कोई जाओ या घर पे पार्वती माँ की तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो उनको देखकर बोलना कि वाह माँ जगदम्बा, क्या आपने रामायण में वचन कहे हैं, माँ मेरे जीवन में भी ये आ जाए। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, के गुण दूषण करे विचारा। कौन गुण दोष का विचार करे, क्यों करे, उनमें कोई दोष हो तो करे, वो तो आप बता रहे हो, वो आपकी दृष्टि से है, मेरी दृष्टि से उनको देखो ना, आप मेरी नजर से देखो।
अर्जुन दुर्योधन की दृष्टि से कृष्ण को नहीं देखते थे, अर्जुन अपनी दृष्टि से कृष्ण को देखते थे। युधिष्ठर शाकुनी की नजर से कृष्ण भगवान को नहीं देखते थे, युधिष्ठर अपनी पवित्र आंख से कृष्ण को देखते थे। ऐसे हम साधक भी किसी और की नजर से गुरु जी को न देखें, हम अपनी भक्ति भाव वाली आंख से बापू जी को देखें, हम अपनी श्रद्धा वाली आंख से गुरुदेव को देखें। हम किसी का चश्मा अपनी आंखों पर क्यों लगाएं? दूसरों के चश्मे अपनी आंखों को दुख देंगे, सिरदर्द पैदा करेंगे। किसी का नंबर का चश्मा हम पहनेंगे तो सिरदर्द होने लगेगा। ऐसे किसी की आंख से मत देखो, अपनी आंख से देखो, अपनी श्रद्धा की आंख से देखो कि मुझे गुरुदेव ने क्या नहीं दिया। अरे गुरुदेव ने भगवान का नाम दे दिया, ये क्या कम है, और क्या चाहिए। भगवान का नाम गुरुदेव ने दीक्षा में दे दिया, ईश्वर का नाम दिया है, कोई साधारण चीज है। यमराज भागवत में यमदूतों को कहते हैं जो ईश्वर का नाम लेता हो तुम उनके पास मत जाना, वो तो भगवान के धाम में जाएंगे, तुम उनको हाथ भी मत लगाना। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सावित्री की कथा देखो, सावित्री गुरु नारद जी से दीक्षा लेकर जप करती थी, उसके पति के प्राण निकल गए तो यमदूत उसके पास आ नहीं सकते थे। यमराज आए, साक्षात मृत्यु के देवता। और फिर सावित्री ने यमराज से पति के प्राण लौटा लिए। यमराज कहते हैं कि जो ईश्वर का नाम लेता हो दूतों उनके पास तुम मत जाना, वो तो आयु पूरी होने पर ईश्वर के धाम में जाएंगे। बताओ गुरुदेव ने हमको सब कुछ दे दिया कि नहीं दे दिया? ईश्वर का नाम दीक्षा में देकर हमारी अगली यात्रा तो सुधार ही दी, अब बाकी की कमाई जितनी हम करें वो हमारे हाथ में। हमारा शरीर छूटने के बाद का बंदोबस्त तो बापू ने कर दिया, अब और क्या करें वो हमारे लिए। फिर भी करते रहते हैं, कमी नहीं छोड़ते हैं। शरीर जब छूटेगा तब छूटेगा हमारा, उसके बाद की तैयारी बापू ने अभी कर दी है। ऐसे गुरु के उपकार का बदला कहां चुकाएंगे हम, कैसे चुकाएंगे, कब चुकाएंगे, कभी नहीं चुका सकते। राजस्थान की सहजोबाई कहती है, गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। कोई नहीं चुका सकता है। कितनी करुणा है, ईश्वर का नाम दे दिया, अपनी अमरता का ज्ञान देते हैं वो हमको, फिर से माता के गर्भ में ना आना पड़े ऐसी सीख देते हैं वो, क्या उनका बदला चुका सकते हैं कोई। कितना उपकार है उनका हम पर। आपको मेरी बात पे शंका हो तो भागवत का छठा स्कंद पढ़ के देखो, यमराज क्या बोले हैं, मृत्यु के देवता, उनके वचन है। विवेकानंद रात को उठकर रोते थे कि भगवान काश तूने दूसरा विवेकानंद बनाया होता तो वो मुझको समझ पाता कि मैं क्या हूं। रात को रोते थे वो महापुरुष। तो भगवान कहते हैं, व्यपाश्रित्य माम ही पार्थ, मद व्यपाश्र, गीता में बहुत है ये। व्यपाश्रित्य शब्द 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में है, और मद व्यपाश्रय 18वें अध्याय में है, 55 या 56वां श्लोक है,
18वें अध्याय का। सर्व कुर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। जिसका आश्रय विशेष होगा वो मेरी कृपा से शाश्वत पद को पालेगा। मत प्रसादात मतलब मेरी कृपा से, मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। कितना सुंदर रास्ता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे एही मार्ग सोई। सब नहीं दे पाते क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा ही नहीं, इसलिए आलोचना करके अपना नरक का रास्ता तय कर रहे हैं। और साधक अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। मार्ग मंजिल से जुड़ा है। तो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु जो होते हैं वो भक्त के दोष को नहीं देखते हैं, भक्त के आश्रय को देखते हैं। जैसे हम लोग दीक्षा लेने जब पहली बार आए, आप हम जब भी आए, जब दीक्षा ली तो बापूजी ने ये थोड़ी पूछा था कि तुम शराब पीते थे, तुम मांस खाते थे, अगर खाते थे तो मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसा कभी पूछा गुरुदेव ने? नहीं। अरे तुलसीकृत रामायण में लिखा है, रहतिन प्रभु चित्त चूक किए कि भक्त की भूल भगवान के दिल में रहती नहीं है। उनके दिल में भक्त की भूल नहीं कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं नहीं, उनके दिल में तो अपनी करुणा पर नजर रहती है उनकी, और भक्त के आश्रय पर नजर रहती है कि इसने मेरा आश्रय तो लिया है ना, ये मेरी शरण में तो आया है, इसका मेरे प्रति भक्त। गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से बजेगा। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो मछली है, अभी जीव इस मछली की योनि में जो है, ये पिछले जन्म में कपिल मुनि नाम के महात्मा का शिष्य था, और ये अपने गुरु के पास रहकर भी गुरु से बहुत दूर था और गुरु की निंदा करता था कमबख्त। और फिर आलोचना करता हुआ मर गया। मर गया तो गुरु के पास बाहर से रहता था, इसलिए बाहर की काया कंचन की है, सोने की है, पर अंदर गुरु के प्रति नफरत और निंदा का भाव रखता था, इसलिए मुंह से सड़ी हुई बदबू आती गंदी। तो राजा ने कहा कि कहीं आप ये कहानी बनाकर तो नहीं सुना रहे हमको? बुद्ध को हुआ कि हद है, अब मैं कह रहा हूं ये बोलता है कहानी बनाकर सुना रहे हो। बुद्ध ने राजा को बुलाया कि इधर आ, और बड़े बर्तन में पानी में जो मछली वो रखी गई थी सोने की आकार काया वाली, बुद्ध ने कहा कि तू अपनी सच्चाई खुद बता संकेत से, बोल तो नहीं पाएगी, संकेत तो बता कि मैंने जो बोला वो बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं। मछली ने पानी से मुंह ऊपर किया और सिर हिलाया ऐसे कि हाँ ये सही है, और आंख से आंसू बहे, अपनी गलती महसूस हुई, और उसी समय उसका शरीर छूट गया, वो मर गई, पानी में ही मर गई वो, और जीव चला गया, और उसी समय पूरे वातावरण में सुगंध सुगंध फैल गई। जिसके मुंह से बदबू आ रही थी गलती कबूल की और सुगंध फैल गई। उस समय भी आश्रय ले लिया। मरते मरते भी कोई आश्रय लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो मद व्यपाश्रय मतलब विशेष आश्रय, अनन्य आश्रय। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की।
भगवान की वाणी क्या है कि वो भगवान को प्यारा है कि जो निष्ठावान है। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। वही निश्चिंत रह पाते जिन्होंने अपने सदगुरु के चरणों में प्रीति की डोरी बांध दी है। भगवान ने गीता में एक ये भी कहा, बहुत सुंदर वचन, 18वें अध्याय में ही कहा, 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। कभी भगवत गीता पढ़ो ना तो भले रटा रटी पूरा अध्याय मत पढ़ जाओ, एक दो श्लोक पढ़ो, पर देखो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, और वो पढ़ के फिर चुप हो जाए। फिर दोबारा वो पढ़े, जो वचन आपको ज्यादा अच्छा लगा वो पढ़कर चुप हो जाए, फिर दोबारा वही वचन पढ़े जिसको पढ़ने से अपना मन शांत हुआ, अच्छा लगा, आपके दिल को छू गया कोई वचन, वो फिर से पढ़े। तो हम साधकों की साधना में बरकत आएगी, इससे हमारी आध्यात्मिक स्थिति ऊंची होगी, जो हम चाहते हैं, सब चाहते हैं ना कि मेरी साधना में उन्नति हो, मेरी आध्यात्मिकता में ऊंची गति हो, ऊंची यात्रा हो, सब चाहते हैं। तो 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मई सन्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भवा। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मतलब संसार से संबंध भीतर से विच्छेद कर दें कि ये मेरे लिए है ही नहीं, गंदगी पर कभी नजर पड़ जाती है बाहर रास्ते में तो कैसे उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि होती, नहीं मेरे लिए है ही नहीं, ऐसे भगवान कहते हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य मद व्यपाश्रय माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। ये कह के कहा कि अपने आराध्य से अपना संबंध जुड़ा हुआ ही है, उसको याद करो बस। गुरुदेव के दर्शन करके जो साधक कुछ वर्ष हो चुके हैं या कई नए साधकों को भी, ऐसा नहीं लगता कि हमको केवल इसी जन्म में गुरुदेव मिले, ऐसी बात नहीं है। हम केवल इसी जन्म में साधना कर रहे हैं इनके चरणों में, ऐसी बात नहीं है। जरूर जब अयोध्या में राम जी आए थे तब हम भी अयोध्या की गलियों में घूमे हैं, जरूर ब्रज में जब कृष्ण आए थे तब हम ब्रज की गलियों में घूमे हैं। इसीलिए इस घोर कली काल में इतनी निंदा और आलोचना आलोचक करते हैं, फिर भी हम निष्ठा से गुरुदेव के चरणों में आकर बैठ पाते हैं, ये जरूर अयोध्या की यात्रा भी की है और ब्रज की यात्रा की है, तभी इस घोर कलयुग में भी हम कर पाते हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परम तपः। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, फर्क इतना है कि मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। तान्यहं वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परम तपः। अब बताओ कोई शंका रही आपको? ये श्री कृष्ण कहते हैं भाई, अपने एक साधक बैठे हैं यहाँ, धोड़का ना अंदर में धोड़का आवाज हो ना, इन्होंने गुजराती में श्री आशारामायण गाई थी, बहुत प्यारी, बहुत साल पहले गुजराती श्री आशारामायण लोक संगीत मैं सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने आज इनको कहा कि अब अपन मिलकर वैसा ही हिंदी में भी लिखकर गाएंगे, फिर ऐसा आनंद आएगा ना आपको हिंदी भाषी साधकों को, आहा वो आशारामायण सुनोगे ना आप, आपको लगेगा कि वाह भाई वाह आनंद आ गया। मैं देखूंगा, हम मिलकर बनाएंगे और उसको कुछ दिनों में उसको गाएंगे भी, उसको थोड़ा बनाना पड़ेगा अभी कुछ, और आपको बहुत आनंद आएगा, मुझे अभी से आनंद आ रहा है।
मुझे अभी से अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि उसको गाएं उस धुन में, उस थोड़ा हिंदी करके उसको, ताकि सब समझ सकें। बड़ा आनंद है, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, भाव भक्ति प्रेम बढ़ता है, प्रेम भक्ति। प्रेम एक एक कवच है, सुरक्षा कवच, ऐसा कवच है कि कभी कोई उसका भेदन नहीं कर सकता। आज ही एक बहन बता रही थी कि मेरे भाई का ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि कार बिल्कुल खत्म हो गई, पर मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत भाव विभोर होकर बता रही थी, यहाँ बैठी भी होगी शायद, वो कहाँ से आई थी, शहर का नाम मैं भूल गया, बोले भयंकर एक्सीडेंट, चिट्ठी भी दी, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, भिवानी से आए पिछले महीने की 10 तारीख को मेरे भाई पंकज का एक्सीडेंट हुआ। शादी के लिए घर से निकला, पर दरवाजे पर जाते हुए जब माँ ने उसका गला बिना बापूजी के स्वरूप के देखा, तो अंदर जाकर उसके लिए बापूजी का स्वरूप लाई लॉकेट और उसको पहना दिया। कुछ दूरी पर अल्टो गाड़ी मारुति, उसमें सवार भाई का ट्रक के साथ भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण गाड़ी ने 4-5 पलटियां खाई और गाड़ी पूरी टूट गई, परंतु बापूजी के बच्चे को काल छू नहीं पाया। बापूजी ने उसे प्रेरणा की कि बेटा तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, और वो सुरक्षित बाहर आया। एक्सीडेंट देखने वाले बोले कि जब हम गाड़ी पलटते हुए देख रहे थे तो लगा कि सब काल का ग्रास बन गए, पर यह तो अद्भुत चमत्कार है, जरूर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति थी जो आपके भाई को एक खरोंच तक नहीं आई, ये केवल मेरे गुरुदेव की कृपा है। बाद में पता चला कि उस मार्ग पर प्रेत आत्माएं खूब भटकती हैं और हमेशा जवान लोगों का ही एक्सीडेंट होता है और कोई भी उस एक्सीडेंट में बचता नहीं है, परंतु जिनके इष्ट ऐसे सदगुरु हों उनके साथ अनिष्ट क्या होगा। शालू बहन भिवानी हरियाणा से आए। देखो भाई, श्री कृष्ण की तपो अग्नि से पसार होने के कारण अर्जुन को इतनी ऊंचाइयां और इतना लाभ प्राप्त हुआ। हम भी गुरुदेव की तपो अग्नि से ही तो पसार होते हैं, यहां बैठकर हम क्यों बैठ पाते हैं, कैसे बैठ पाते हैं, क्या हमारी कोई अपनी तपस्या है शक्ति इसलिए बैठ पाते हैं? गुरुदेव की तपो अग्नि से पसार हो रहे हैं यहां बैठकर, ऊंची कमाई के धनी होते हैं। बीज में पड़ी हुई संभावना को गुरु पुकारते हैं। श्री कृष्ण की वाणी से ही अर्जुन को बोध हुआ, नहीं बीज वृक्ष हुआ मानो, ऐसे ही बापूजी की वाणी से। श्री कृष्ण ने तो एक अर्जुन को गीता कही थी, पर बापूजी वो गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान हम सब को सुनाते हैं और बार बार सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे। आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे, मेरे सदगुरु तेरी जिंदगानी रहे। हम